You will be fine. Today's new topic, imperative sentence change into passive voice. Because I kept promise that the next videos I will provide you to imperative sentence change into passive voice. Let's start. सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। इंपरेटिव सेंटेंस, अब इंपरेटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं हम तो देखें कहीं कहीं लिखा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। आज्ञा सूचक या आदेशात्मक, कहने का मतलब ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस इज नोन इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड किया जाए, किसी को एडवाइस किया जाए, है ना, किसी के मतलब कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो सेंटेंस जो होता है वो क्या कहलाता है भैया, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो एक चीज और बताएं, इकलौता सेंटेंस है पूरे इंग्लिश लिटरेचर का। इंपरेटिव सेंटेंस पूरे इंग्लिश लिटरेचर का एक इकलौता सेंटेंस है जो एक सिंगल सब्जेक्टिव केस पर अपने पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। यानी पूरा सेंटेंस का एक कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे उसका सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस जो होगा वो हमेशा वही होगा जो किसी भी सेंटेंस का, मतलब कि कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो उसका सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है। आपको बताइए इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव जो केस होता है इसको चाहे सब्जेक्टिव केस बोलो आप और चाहे नॉमिनेटिव केस बोलो, और ये होता है जो ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस में अंडरस्टूड होता है, ध्यान दीजिएगा जो सेंटेंस में क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। अब अंडरस्टूड मतलब, कहने का मतलब छिपा होता है। कहने का मतलब सिंपल सी बात समझ जाएगा कि कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस जब है उसका सब्जेक्टिव केस हमेशा यू होता है तो फिर हमें लिखने की कोई जरूरत, शो करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस आप देखते हैं तो उसका सब्जेक्टिव केस हमेशा छिपा रहता है, इसको हम राइट नहीं करते, शो नहीं करते हैं सेंटेंस में। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इंपरेटिव कोई भी अगर पूछता है कि इंपरेटिव सेंटेंस, इसीलिए जो उसका स्ट्रक्चर होता है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम तो स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो देखिए वो शुरू होता है वर्ब से, किसे शुरू होता भैया, वर्ब से, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस का। अगर मान लीजिए इसका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में डू नॉट आता है, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, या तो डू नॉट आएगा। वैसे भी आप जानते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बात करें तो यू के साथ हमेशा डू आता है, तो इसीलिए डू नॉट, या अगर दूसरा वर्ड आता है तो नेवर के साथ वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट और ओ डब्ल्यू यानी जिसको हम अदर वर्ड बोलते हैं, ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हाँ, जब रिक्वेस्ट की बात करता है तो वहां पर कुछ आदर्श सूचक प्लीज, काइंडली या अक्सर जैसे शब्द का इस्तेमाल करके, मतलब यूज करके उसके बाद वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन देखें जितने भी स्ट्रक्चर मैंने लिखा क्या कहीं पर यू का जिक्र हुआ, नहीं हुआ, यानी सब्जेक्ट का हमने जिक्र किया, नहीं किया, मतलब वो हमेशा क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। तो ये चीज हमने आपको बेसिक चीज थी जो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है इंपरेटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पहला ये बताया आपको कि यू जो होता है यानी उसका जो नॉमिनेटिव केस होता है वो हमेशा छिपा रहता है, यानी उसका यूज नहीं होता। तो ये चीज और देख लीजिए, अब इसी के साथ बता देते हैं,
जब यू नहीं शो होता तो बाई जो एजेंट है, बाई जो एजेंट है इज नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में तब बाई का भी यूज नहीं होता है। अब तीसरा रूल ये हो गया। अब अगर हम कहें कि हाउ टू चेंज कैसे चेंज करें, तो उसके लिए आपको बता दें, अगर देखिए तीन डिफिनेशन में मैंने बताया कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, तो अगर पहला पॉइंट बात करें कि सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस, अगर इंपरेटिव सेंटेंस जो है क्या शो करता है, शो क्या शो करे भैया, कमांड, क्या शो करे कमांड। तो कमांड अगर शो करता है तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको लिखना होगा लेट, क्या यूज करोगे लेट, ठीक। देखो एक बार पहले लिख देते हैं, जैसे बताओ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये तो एक्टिव वॉइस का है, किसका है एक्टिव वॉइस का। अब अगर इसको हमको पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ध्यान दीजिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस, ये बन गया पैसिव वॉइस, क्या बन गया पैसिव वॉइस। अब अगर हम सेंटेंस को देखें, जैसे ओपन द डोर हो गया, ओपन क्या है वर्ब है, डोर क्या है ऑब्जेक्ट है, शुरू करते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है द डोर लिख दिया, हो गया डोर। यहां क्या यूज कर दिया बी, और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो गया ओपन, ये बन गया है ना। मान लीजिए लिखा कॉल हिम, क्या दिया है कॉल हिम उसे बुलाओ, तो क्या हो जाएगा लेट हिम बी, और कार का क्या हो जाएगा कार्ड, क्या हो जाएगा कार्ड। तो कहने का मतलब अगर इंपरेटिव सेंटेंस में, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड किया जाता है तो उसके लिए हम लेट से शुरुआत करते हैं, तो पैसिव वॉइस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और थर्ड पार्ट और अदर वर्ड, यानी कोई और शब्द दिया है तो उसको लिखेंगे, यानी बाई एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम, चलिए ये तो बात हो गई कमांड करने की, अगर हम बात करते हैं मान लीजिए कहीं एडवाइस कर रहा है, क्या कर रहा है एडवाइस कर रहा है, तब क्या करेंगे, तो जब एडवाइस करेगा अगर एडवाइस कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, एडवाइस के लिए कहने का मतलब इफ इंपरेटिव सेंटेंस सो है ना एडवाइस और सजेस्ट, तब क्या करेंगे। तो अगर एडवाइस या सजेस्ट शो कर रहा है तो उसके लिए जो उसका पैसिव वॉइस बने बन गया पैसिव वॉइस, तो उसके लिए देखें रूल्स होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस वो चेंज हो जाता है भैया
किसमें? सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में। दूसरा पॉइंट, शुड यू एज हेल्पिंग वर्ब, इस शुड का यूज किसके रूप में करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के। उसके बाद तीसरा, बी यूज। चौथा, थर्ड फॉर ऑफ वर्ब यूज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। तो इतना कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कहा गया कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर एग्जाम्पल्स हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पहले लिखना है, लिख देंगे द पुअर, सॉरी स्ट्रक्चर में लिखा, आपको स्ट्रक्चर ऐसे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस प्लस शुड प्लस बी और प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर चेंज करेंगे तो देखो ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, शुड, उसके बाद बी और उसके बाद हेल्प, जो वर्ब है हमारा उसका थर्ड पार्ट हो जाएगा हेल्प, है ना, ये होता है। अगर इसका निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, निगेटिव विषय, मान लीजिए लिखा है डोंट, है ना, चीट हिम, तो हो जाएगा ही शुड नॉट बी चीटेड, यानी निगेटिव के लिए जो इसका स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में प्लस शुड हो जाएगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद अदर वर्ड पूर्ण हो जाएगा, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये था एडवाइस के लिए, किसके लिए था, एडवाइस के लिए। और एग्जाम्पल से बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, तो क्या हो जाएगा, हाँ लव योर कंट्री की अगर बात करते हैं तो क्या करेंगे, लिखेंगे योर country should be loved, या अगला सेंटेंस देखते हैं, respect your elders, तो हो जाएगा your elders should be, क्या हो जाएगा, respected, समझ में आया। तो इस प्रकार से चेंज करेंगे, तो देखिए दो चीजें हमने देखा, एक तो कमांड और दूसरा सजेस्ट। अब बात आती है कि अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तब उसको हम कैसे जो है चेंज करेंगे। तो जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए क्या है, अलग स्ट्रक्चर है। अगर मान लीजिए तीसरा पॉइंट है कि इफ इंपरेटिव सेंटेंस, इफ इंपरेटिव सेंटेंस सो क्या रिक्वेस्ट, क्या कर शो करे, रिक्वेस्ट शो करेगा, तो ध्यान दीजिएगा जब रिक्वेस्ट शो करेगा तो सेंटेंस में ये चीज आएंगे, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, बस में ना ये सब शब्द आएंगे वहां पर। तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहला रूल्स देखते हैं। जब ऐसी ऐसा कंडीशन होगा, यानी सेंटेंस प्लीज काइंडली सर मैडम से शुरू होगा,
तो उसके लिए पहला रूल होगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड, इसका यूज होगा। दूसरा पॉइंट, प्लीज काइंडली सर वर्ड्स नो यूज इन पैसिव वॉइस, यानी इनका पैसिव वॉइस में यूज नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट टू, हाँ तो देखिए, इफ इंपरेटिव सेंटेंस शो रिक्वेस्ट यानी प्लीज काइंडली सर या मैडम जैसे वर्ड्स आएंगे तो वो रिक्वेस्ट शो करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, पैसिव में, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज काइंडली या सर शब्द का यूज नहीं करेंगे। दूसरा टू, यानी रिक्वेस्टेड के बाद कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। फिर कहता है इंपरेटिव सेंटेंस को बिना कुछ चेंज किए जोड़ देते हैं, मतलब जो सेंटेंस आपके सामने होगा वहां से प्लीज काइंडली हटाकर उस सेंटेंस को इसी में जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने के लिए ही टू का प्रयोग किया। कंजक्शन मतलब होता ही है जोड़ना, है ना, तो जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिएगा सेंटेंस, यानी इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए दिया है कि प्लीज हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, हो गया प्लीज हटा दिया, क्या लगा दिया टू, और इसमें बिना कुछ किए जैसे है वैसे इसको लिख दिया हेल्प मी, तो ये बन गया। और देख लेते हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, मान लीजिए आप उपाय पर गए तो आपको पेन चाहिए, तो आप कहोगे प्लीज गिव मी अ पेन, तो क्या चेंज कैसे करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। कोई चेंज किया नहीं किया, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, केवल क्या किया है टू कंजक्शन यूज किया और आगे रिक्वेस्ट। अब आते हैं बात करते हैं जैसे अभी तो थ्री स्टेप्स में हमने जाना, अब आपको एक आसान सा ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, आसान सा ट्रिक बताते हैं, ट्रिक। अगर सब कुछ भूल जाओ तो इस ट्रिक को याद रखना। इंपरेटिव सेंटेंस के डिफिनेशन में क्या चीजें आई थी भैया, कमांड आया था, क्या आया था, कमांड आया था, एडवाइस आया था, और क्या आया था, रिक्वेस्ट। कहा ये जहां तीन चीजें होती हैं समझ जाओ वो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अगर तीनों के अलग अलग मैंने स्ट्रक्चर्स बताए तो आपको पता है, वो तो अलग बात है कि आप कर सकते हो, बट अगर आप भूल गए तो इस चीज को याद रखना सीधा ऐसे, यू आर, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जाएगा वहां लिखना रिक्वेस्टेड, समझ गए, या जिस सेंटेंस में एडवाइस किया जाएगा तो वहां लिख देना एडवाइस, जिस सेंटेंस में ऑर्डर किया जाएगा वहां लिख देना ऑर्डर या कमांडेड, यहां सजेस्टेड, बात समझ गए ना। अब इसके बाद प्लस टू और प्लस इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आसान सा ट्रिक है, किसी भी सेंटेंस को आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए लिखा है कि, मान लीजिए मैंने लिख दिया कि डोंट वेस्ट योर
टाइम। हाँ अब यहाँ थोड़ा अलग है तो बता देते हैं कैसे। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्या किया, एडवाइस किया, तो आप देखो सीधे यू आर एडवाइस हो गया। डोंट आया है तो पहले नॉट लिखो फिर टू लिखो, यह अब दू यहां से हट जाएगा, बचा क्या, वेस्ट योर टाइम, समझ गए। ऐसे अगर मान लीजिए लिखा है कि ओपन द विंडो, ऑर्डर किया तो लिख दो यू आर ऑर्डर, क्या हो जाएगा यू आर ऑर्डर, कंजंक्शन क्या यूज करोगे टू। अब बचे हुए सेंटेंस को बिना कुछ किए यहां जोड़ दो इसे ओपन द विंडो, अब ये बन गया इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेट इंपेरेटिव के बारे में बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।